नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं बीएचयू बीएससी मैथ्स और बीएचयू बीएससी बायोलॉजी के आप यहां पर प्रेफरेंसेस को कैसे भरेंगे। आपको मैं इस वीडियो में स्पेशली बस इसी कोर्स के लिए यहां पर गाइड करूंगा। टेक्निकली आपको कैसे प्रेफरेंस भरना है उसका वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो टेक्निकली कैसे भरना वो आप देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको प्रेफरेंसेस बनाने का आपका तरीका क्या होगा उसके बारे में बातचीत करूंगा। एक बात ये समझिएगा कि प्रेफरेंस हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। आपकी च्वाइस कुछ और होगी, दूसरे की च्वाइस कुछ और होगी। ऐसा हम नहीं कर सकते कि मैं आपको एक प्रेफरेंस बनाकर दे दूं और वही सब लोग फॉलो कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आराम से। कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए रेज करूंगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से ढूंढना होगा, उसके बाद ही आपकी प्रेफरेंस यहां पर बन सकती है। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आपके पास सोचने के लिए और वहां पर उन पे जो भी आपको आंसर्स ढूंढने हैं उनके लिए पर्याप्त समय है। उसके बाद यहां पर आप जो है वो अपने प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना यहां पर जरूरी है कि आखिर ये प्रेफरेंस किस चीज का भरना है, क्या है ये प्रेफरेंस। तो पहले ये समझिए, आपके पास प्रेफरेंस जो है वो यहां पर तीन चीजों का है टोटल। पहला है ऑनर्स सब्जेक्ट का। अगर हम मैथ्स ग्रुप में जाएं तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स ज्योग्राफी और अर्थ साइंस। अर्थ साइंस जो है वो ये आपका इसी का नाम जो है वो अभी तक बीएचयू जियोलॉजी लिखती थी, इस बार से इन्होंने अर्थ साइंस लिखा हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं पता है। बायोलॉजी ग्रुप की बातचीत करें तो इनके पास सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री ज्योग्राफी अर्थ साइंस और होम साइंस है। लेकिन ध्यान देंगे, होम साइंस सिर्फ एमएमबी में है, एफएमसी में नहीं है। पिछले साल तक एक और सब्जेक्ट होता था जिसका नाम है साइकोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी वाले ग्रुप में, लेकिन इस बार से वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब इसके पीछे भी क्या रीजन है उसको हम लोग साइड रखते हैं। अब अभी पहले यहां पर ये समझे आपने कि ऑनर्स सब्जेक्ट आपके पास कई सारे हैं, उसकी प्रेफरेंस यहां पर आपको देने कि आपको कौन सा पढ़ना, कौन सा चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है यहां पे। फिर अगला यहां पर आता है रेगुलर और पेड। रेगुलर में आपकी जो होती है वो, रेगुलर और पेड में बस एक बेसिक सा डिफरेंस है कि पेड सीट में आपकी फी जो होती है वो हाई रहेगी, आपको एक्स्ट्रा फी पर ईयर पे करना पड़ता है। बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में 44,000 रुपए पर ईयर आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। रेगुलर फीस यहां पर आपकी 4,000 रुपए, तो 4 + 44 = 48,000 पे करेंगे अगर आपका पेड सीट से एडमिशन होगा, और अगर आपका रेगुलर सीट से एडमिशन होता है तो 4,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों, एफएमसी एमएमबी दोनों के लिए यहां पर, ठीक है। अगली बात होती है यहां पर टीचिंग लोकेशन की। अच्छा, एक चीज और, पेड सीट में डिटेल में जानना हो तो अलग से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी पेड सीट में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती है। जैसे आपके कोर्स में जितनी सीट्स होंगी, सपोज करिए 400 सीट है आपके कोर्स में, तो 400 का 15% 60 सीट हो जाएगी। ये 60 एक्स्ट्रा सीट्स होती है, मतलब 400 + 60 सीट होती है आपकी, ठीक है, जिसके लिए यहां पर आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है 44,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा। पर ईयर मतलब 4 साल का कोर्स है तो 44 × 4 कर लीजिएगा। टीचिंग लोकेशन, दो जगहों पे आपका ये कोर्स चलता है, एक एफएमसी और एक एमएमबी, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, मेन कैंपस में ही सारी कहानियां हैं साइंस के लिए। यहां पर एफएमसी आपका जो कि आप में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से आएगा, वही आपका फैकल्टी मेन कैंपस यहां पर, और ये महिला महाविद्यालय जहां पर सिर्फ फीमेल्स पढ़ेंगी, और ये एफएमसी में मेल एंड फीमेल दोनों यहां पे पढ़ रहे होंगे। तो मेल्स के लिए यहां पर जो है वो सिर्फ एफएमसी ही है, तो उनको टीचिंग लोकेशन का कोई प्रेफरेंस नहीं सेट करनी है। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको यहां पर दो ऑप्शन है, एफएमसी और एमएमबी, तो वहां पर वो अपनी टीचिंग लोकेशन का भी प्रेफरेंस दे रहे होंगे। इन्हीं तीनों का कंबाइंड रूप में आपका जो है वो प्रेफरेंस भरने को आपको यहां पर मिलते हैं। अब क्या एक पैटर्न होना चाहिए प्रेफरेंस भरने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पैटर्न के आप प्रेफरेंस भरने जाओगे तो आप गलत प्रेफरेंस ही भर के आओगे, ये बात श्योर है यहां पे। अच्छा, कुछ चीजें एकदम फिक्स हैं। रेगुलर पेड में सब लोग पहली प्रायोरिटी रेगुलर को ही देंगे, ये बात 110% श्योर है। किसी को शौक तो नहीं लगा है ना कि 44,000 रुपए शौक है कि हम एक्स्ट्रा पे करें पर ईयर, तो रेगुलर को पहली प्राथमिकता मिलेगी, दूसरी प्राथमिकता पेड को मिलेगी। अब वहां पर देखेंगे, अभी कुछ और भी इसमें चीजें आएंगी, कई सारे फैक्टर्स आएंगे उसको देखेंगे, लेकिन ये फिक्स है यहां पे। सिमिलरली एफएमसी एमएमबी में पहली प्रायोरिटी एफएमसी की, दूसरी प्रायोरिटी एमएमबी की। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस आपसे पहले यहां पर हैं जो आप आंसर्स अपने ढूंढेंगे। सबसे पहली चीज, यहां पर सब्जेक्ट प्रायोरिटी आप अपनी डिसाइड करेंगे। अब ये सबका अलग है, किसी की केमिस्ट्री
चॉइस में होगा कि सबसे पहले उसको केमिस्ट्री मिल जाए अच्छा रहेगा, किसी के लिए स्टैटिस्टिक्स होगा, किसी के लिए मैथमेटिक्स होगा, किसी के लिए बॉटनी, किसी के लिए जूलॉजी। तो ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया, फैक्टर्स, ये सब मैं आपसे जरूर डिस्कस कर सकता हूं। दूसरा प्रश्न आपसे ये करना है कि क्या आप पेड सीट के लिए कंफर्टेबल हैं? अगर है तो इसका क्या मतलब भी मैं बताऊंगा आपको यहां पे, लेकिन आपको ये पता कर लेना अपने आप से कि क्या मैं इस चीज के लिए सक्षम हूं कि मैं 44,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकता हूं। चाहता कोई नहीं है पे करना, लेकिन है कि नहीं है आप, क्यों, इसका क्या मतलब होगा वो भी मैं बताऊंगा अभी मैं। फिर अगला प्रश्न, आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए पैशनेट हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना केमिस्ट्री से ही है, मुझे कुछ भी मिले लेकिन मैं केमिस्ट्री ही चाहता हूं, या आप ऐसा है कि आपके पास है 2-3 सब्जेक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि इनमें से कुछ मिल जाए। अब यहां पर आ जाइए कि अब बात आती है यहां पे प्रेफरेंस बनाने की। प्रेफरेंस बनाने में सबसे पहली बात तो जो सबसे पहला काम करना है वो अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको अपने चॉइस के अनुसार अरेंज करना है। आपके मार्क्स क्या है इस बेसिस पे कभी अरेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान दे लीजिए। ये नहीं कि मेरा मार्क्स कम है मुझे मैथ्स ऑनर्स मिल सकता लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता तो कंप्यूटर साइंस को सबसे नीचे रख देंगे, ऐसा कोई भी प्रेफरेंस बनाने का तरीका नहीं होता है। तरीका एक है, सबसे पहला काम सब्जेक्ट की प्रेफरेंस सेट करिए अपने चॉइस के अनुसार जो यहां पर आपको पसंद है। अब बात आएगी कि हम कैसे सर पता करें कि हमको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है। चलिए अब इसके लिए मैं आपको यहां पर कुछ फैक्टर्स और कुछ बातें समझाता हूं ताकि आपके लिए चीजें ये आसान हो जाए। देखिए इसमें दो चीजों को आपको यहां पर ध्यान देना है। एक यहां पर आप सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का मतलब यह है अभी आप क्लास 12th में थे, आपने यहां पर जो है वो सीयूटी का पेपर दिया, अन्य पेपर्स भी दिए होंगे आपने, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपने पढ़ा है। आप पढ़ते समय आपको ये पता चल चुका होगा कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन पता सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट के बारे में होगा और सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते भी नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। अब जैसे मान लीजिए आपका ऐसा है कि आपका फिजिक्स आपको नहीं समझ आती थी, हमेशा आप फिजिक्स से भागते रहे डरते रहे, तो फिजिक्स सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे भले आपका एडमिशन उसमें मिले कि ना मिले। अब एक बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट ना मिले भले वो कैंपस मिल जाए, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको सब्जेक्ट है कैंपस नहीं पढ़ना है आपको, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और खासकर ये डीयू में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाता है कि कॉलेज के चक्कर में हम खराब ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसमें हम कंफर्टेबल ही नहीं है, वो सबसे वाहियात बात होती है। यहां पर तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो यहां पर बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान सुनिए यहां पे करना क्या है। सबसे पहला चीज हो गया कि आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, दूसरा यहां पर आपको स्कोप भी देखना होगा, और तीसरा यहां पर आपके लिए फैक्टर होगा कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग चीजें यहां पर आपको तय करनी होंगी। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का मन में ऐसा है कि उनको जो है वो जो सब्जेक्ट वो चूज करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के फील्ड में ही रहेंगे, टीचिंग लाइन में जाना है, या वो हो सकता है कि वो कोचिंग इंडस्ट्री में जाएं, जेई नीट के कोचिंग्स के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं या उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहली चीज ध्यान देंगे कि उसी सब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे जिसमें आप जो है वो आपका इंटरेस्ट सबसे अधिक है, क्योंकि वो 4 साल आपको पढ़ने हैं। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप ऐसा है कि आप मान लीजिए टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में और खासकर ऐसा है कि कोचिंग इंडस्ट्री में, या आप मान लीजिए कि आप जो है वो टीजीटी पीजीटी इन सब सेक्टर्स में भी आपको जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जो भी अगर टीचिंग लाइन में आपको जाना है, तो मेरी सलाह ये होगी कोर सब्जेक्ट में रहिएगा। कोर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी जूलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट में आप रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें चले गए मान लीजिए अर्थ साइंस में, तो आप ये सोचिए कि जैसे कि मान लीजिए पीजीटी टीचर्स जो होते हैं वो क्लास 12th क्लास 11th 12th के लिए हैं, 11th 12th में जियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत रेयर जगहों पे रहता है, तो सीधी सी बात है कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। इस सब्जेक्ट का भी बहुत बढ़िया स्कोप है लेकिन अलग है, इस सेक्टर में तो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अब अगली बात, यहां पर स्कोप देख लेंगे और अपना फ्यूचर इन दोनों चीजों से मैच करेंगे। अब जैसे यहां पर है कि सबसे पहला प्रश्न जो उठेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में तो जानते हैं सर, बॉटनी जूलॉजी के बारे में जानते हैं, इधर से केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी भी 10th तक तो पढ़ी है तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स और अर्थ साइंस ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में आपको नॉलेज यहां पर नहीं होगी। सिमिलरली यहां पर जो एक नया सब्जेक्ट आपको वही अर्थ साइंस ही यहां पर मिलेगा, बाकी से तो आप परिचित हो यहां पे बायोलॉजी वाले ग्रुप में।
तो ये जो तीन सब्जेक्ट है, पहले इन तीन सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज लेनी होगी। कंप्यूटर साइंस से कुछ नहीं, तो ऊपरी आप ये बात समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सबसे रिलेटेड आपको जाना है। एक बात समझिएगा, कंप्यूटर साइंस का मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे, सिमिलर आप ये समझो कि जो आपका आईटी सेक्टर है उसकी तरफ आप यहां पे बढ़ रहे होगे। बीएससी कंप्यूटर साइंस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बीएससी के बाद यहां पर जो है वो या तो आप एमसीए कर सकते हैं या तो आप जो है वो एमएससी करेंगे, तो उसमें आपके लिए जैसे सबसे बढ़िया इसका जो यहां के बच्चे प्रिफर करते हैं वो कंप्यूटर साइंस यहां से बीएससी कर लेंगे। इसके बाद जो होता है वो एनआईटी से एमसीए करने के लिए एग्जाम होता है, उसके थ्रू अगर चले जाते हैं तो फिर वहां पर बढ़िया जो है वो पैकेज लग जाते हैं, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही ये बात होगी। बीएससी कंप्यूटर साइंस से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बात पहले ही समझ लीजिए। मिलेगा भी तो वही है कि जो है वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी और वो आपको जो है वो जिस पैकेज की अपेक्षा कर रहे होगे वो भी आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो होगा कंप्यूटर साइंस में यही है कि मान लीजिए जैसे आप टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसी कंपनीज में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेक्टर में जाके काम करना चाहते हो तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस तो बेटर है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो आपके मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है और ये इस स्टैटिस्टिक्स में पूरा डेटा के ऊपर यहां पर सारी बातें होती हैं। स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत अच्छा स्कोप होगा, इसका सबसे बेस्ट जो होता है जो बच्चे यहां पर यूजुअली प्रिफर करते हैं अगर इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। तो बीएससी के बाद जो होता है वो एमएससी करने के लिए आईआईटी जैम का एग्जाम होता है जिससे आप एमएससी करोगे आईआईटी से, और आपका जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का भी एग्जाम होता है तो उसके थ्रू भी बच्चे आगे यहां पर बढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर अगर आप वो कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे बहुत सारे, और आपके स्टैटिस्टिक्स में जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों यहां पर सेक्टर्स जो है वो ओपन रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया इसका स्कोप है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट और आप जिस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप इसको जो है वो डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। ठीक है, अर्थ साइंस की बात करेंगे तो इसमें भी आपका जो स्कोप है वो इसी तरीके का है कि आप बीएससी करेंगे, देन एमएससी आप आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, उसके लिए आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आपकी प्लेसमेंट एंड ऑल बाकी चीजें होंगी। इसमें आपको यहां पर यूपीएससी भी, यूपीएससी जीएसआई का एग्जाम करवाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में एकदम टॉप पोजिशन पे जा सकते हैं। तो ऑप्शंस यहां पर भी बहुत सारे खुलते हैं, तो सब्जेक्ट के स्कोप की बात करें तो काफी बेहतर है। तो एक काम जरूर करिएगा, ये जो अदर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, इन सब्जेक्ट के स्कोप्स के बारे में आप जरूर पता करेंगे। आप इंटरनेट पे जाएंगे बहुत ही अच्छे से आपको इसके स्कोप्स पता चलेंगे और वास्तव में बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। कोर में तभी जाना चाहिए जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टीचिंग लाइन में आपको जाना है तभी, या रिसर्च में जाना है तो आपके लिए यहां पर बेहतर है। लेकिन अगर आप यहां पे जॉब ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ओरिएंटेड होना चाहते हो तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि कोर सब्जेक्ट में आप जाओगे तो वही है कि आप एमएससी करोगे, देन वहां पर नेट जीआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर उसी सब सेक्टर में आप रह जाओगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी च्वाइस कैसे, आप करना क्या चाहते हो। एक बात मैं यहां पर और एड ऑन कर दूंगा, इन सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई जाती है। कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स में सीट्स कम भी हैं और कट ऑफ हाई रहेगी ही रहेगी। अगर मैं 600 में बात करता हूं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर बहुत कम पे भी मिला तो कम से कम 400-410 के नीचे ये नहीं मिलेगा, ये श्योर है यहां पे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पे, सबसे कम कट ऑफ आपको जियोग्राफी की देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में सीट्स सबसे ज्यादा हैं तो वहां पे कट ऑफ जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री के केस में भी आपके पास यहां पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काफी ऑप्शंस यहां पर बन जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं आपके लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्कोप से रिलेटेड, ताकि आप यहां पर अपना डिसीजन जो है वो ले सकें। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया कि भैया अपने सब्जेक्ट की जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट कैसे तैयार करनी है। ठीक, अब सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट आपने अगर तैयार कर लिया, इसके बाद मैं आगे आपसे यहां पर बातचीत करता हूं। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करने के बाद आपको यह डिसाइड करना है एक सब्जेक्ट के लिए आप पैसिनेटेड हो, या ऐसा है कि दो तीन सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो कि मुझे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी में से कुछ भी मिल जाए चलेगा, या केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी में से कुछ भी मिल जाए, या कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कुछ भी मिल जाए। या तो इस टाइप के बच्चे हो गए, या तो इस टाइप के हो गए, नहीं मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए या मुझे मैथ्स ही चाहिए। अगर आप, अब पहली कंडीशन, अगर आप ऐसे हो कि एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो कि मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए, तो अगला प्रश्न आपसे, क्या आप 44,000 रुपए देने में सक्षम हैं या नहीं है। अगर नहीं है तब एक केस बनता है, अगर आप हैं तो दूसरा केस बनता है। ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पर आप एक सब्जेक्ट के पैसिनेटेड बच्चे हो
और अगर यहां पर मान लीजिए कि आप यहां पर जो है वो पेड सीट के लिए कंफर्टेबल हैं, देन मान लीजिए मैं एग्जांपल केमिस्ट्री का ले लेता हूं, तो आपको यहां पर क्या करना है कि केमिस्ट्री के रेगुलर सीट को ऊपर कर देना है एफएमसी की। मैं फीमेल मान के बता दे रहा हूं ताकि सारे पॉसिबिलिटीज बता दूं, उसके बाद मेल जो होंगे वो एमएमबी को कट डाउन कर देंगे। यहां पे केमिस्ट्री रेगुलर एफएमसी हो गया यहां पे। इसके बाद यहां पर आप केमिस्ट्री को ही जो है केमिस्ट्री पेड सीट कर दीजिएगा, जिसको जो आपके यहां लिखा होगा पेड फी सीट, वही चीज है आपकी। तो पेड एफएमसी ही रखिएगा इसको यहां पे, ठीक। अगर आप फीमेल हैं तो आप यहां पर जो है वो केमिस्ट्री रेगुलर एमएमबी कर सकते हैं, एंड देन यहां पर आपका हो जाएगा केमिस्ट्री पेड, ये हो जाएगा यहां पर, इसके बाद जो है वो केमिस्ट्री पेड एमएमबी। तो ये सीक्वेंस तब बन पाएगा, ये एक सब्जेक्ट के पैसिनेटेड बच्चे का प्रेफरेंस होगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको यहां पर पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट अपना चाहिए था, भले वो 44,000 में ही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाय चांस ऐसा है कि आपके लिए यहां पर पेड सीट की फीस ज्यादा है, नहीं पॉसिबल है आपके लिए देना, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि अपनी जो ये पेड सीट है ना, इसको नीचे कर देंगे, ये जो आपका ये एमएमबी वाला है रेगुलर सीट, इसको यहां पर ऊपर कर दीजिएगा। तो केमिस्ट्री रेगुलर एफएमसी, केमिस्ट्री रेगुलर एमएमबी, देन केमिस्ट्री पेड एफएमसी, देन केमिस्ट्री पेड एमएमबी, पहले रेगुलर देन पेड, ये हो जाएगा। ये दो केस मैंने बात किया, एक सब्जेक्ट के पैसिनेटेड बच्चे हो आप, इसमें दो चॉइसेस हो गई, पेड सीट में कंफर्टेबल, पेड सीट में नहीं कंफर्टेबल, ठीक। लेकिन एक सलाह और दूंगा, एक सब्जेक्ट भर के मत अपने प्रेफरेंस को छोड़ दीजिएगा। आप एक सब्जेक्ट के लिए पैसिनेटेड हो तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज को आप पहले फिल कर लो, लेकिन इसके बाद अदर सब्जेक्ट को जरूर से जरूर फिल करिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां पे ऐसे बच्चों के लिए जो कि यहां पर दो तीन सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, वो क्या करेंगे यहां पे, उनसे भी ये प्रश्न है कि ऐसा है कि आप पेड सीट के लिए जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। अगर आप पेड सीट के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास यहां पर क्या चॉइसेस हैं? आपके पास चॉइस यहां पर ये है कि जो आपके तीन सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कि मैं यहां पर तीन सब्जेक्ट में ले लेता हूं, पहले केमिस्ट्री है यहां पर, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के रेगुलर भरिए, कहने का मेरा मतलब है कि जितने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है। फिर यहां पर कंप्यूटर साइंस की रेगुलर भर दीजिए, देन मान लीजिए स्टैट्स में है आप यहां पर, तो स्टैट्स की यहां पर आपने रेगुलर भर दिया, ठीक। ये तीनों आपने कहां का भर दिया, एफएमसी का भर दिया, ठीक। अब इसके बाद जो है, इन तीनों सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल थे, तो यहां पर आपने पहले तीनों के एफएमसी भर दिया, अब इसके बाद जो है, और तीनों के रेगुलर है, अब इसके बाद जो है वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स का ही। अब यहां पर दो चॉइस है, क्या आप यहां पर अब पेड के थ्रू, अब ऐसा है कि नहीं पेड के थ्रू बिल्कुल नहीं जाना है आपको यहां पे, तब तो आप सीधे एमएमबी भरेंगे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप यहां पर ऐसा है कि पेड सीट में कंफर्टेबल हैं, पहले रेगुलर देन तीनों की पेड सीट यहां पर भर दीजिएगा एफएमसी के लिए, उसके बाद जो वो इन तीनों की एमएमबी की रेगुलर सीट भरिएगा, देन एमएमबी की पेड सीट भरिएगा। समझ गया ये बात यहां पे, ताकि यहां पर एफएमसी में रेगुलर या पेड कुछ भी आपको मिल जाए, और नहीं तो फिर आपके एमएमबी में रेगुलर और पेड, ये प्रेफरेंस आप दोगे यहां पे। और सिमिलरली अगर आपका ऐसा है कि आप पेड सीट में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो तीनों रेगुलर एफएमसी हो गया, फिर तीनों यहां पर एमएमबी का रेगुलर हो गया फीमेल्स के लिए, मेल के लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी, उनको तो बस केवल तीन भरा आपने रेगुलर एफएमसी, देन तीन आपको यहां पर पेड ही भरना होगा, कोई और कोई ऑप्शन नहीं यहां पर आपके पास, ठीक है। तो यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दो तरीके की बातें हैं, या तो आप यहां पर एफएमसी रेगुलर, एमएमबी रेगुलर, देन एफएमसी पेड और एमएमबी पेड, या एफएमसी रेगुलर, एफएमसी पेड, एमएमबी रेगुलर, एमएमबी पेड, दो ही आपके पास यहां पे ऑप्शंस बनते हैं, जो कि आप यहां पर अपने प्रेफरेंसेस जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के साथ ऐसा है कि जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है कोई भी मिले, ऐसा कोई बहुत बड़ा उनके साथ दिक्कत नहीं होगी, तो सभी के रेगुलर भर लें, देन सभी के पेड भर लें, ठीक है। ये आपके पास यहां पे ऑप्शंस हैं, ठीक। तो अब देखो ये मैंने बातें क्यों इस तरीके कहीं, एक बात ये समझिएगा, क्योंकि आपके रेगुलर और पेड में कट ऑफ के डिफरेंसेस आते हैं, और बहुत कभी कभी आपको ज्यादा डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, वो 30 नंबर 25 नंबर का भी डिफरेंस मिल जाता है। उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक होता है, वो है फी ज्यादा है यहां पर। अभी वही फी कम होती तो सीधी सी बात है कि यहां पर आपका इतना बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलता। तो
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को करिए और आंसर्स ढूंढिए। ये सेशन आपका कोई आखिरी सेशन नहीं है, मैंने एक तरीका आपको बता दिया। अभी मैं आगे आपको और भी सेशंस में मिलूंगा जिसमें आप जो है वो अपनी बातें बताएंगे और फिर हम लोग जो वो फाइनल डिस्कशन करके देन आपके यहाँ पे प्रेफरेंसेस तैयार हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न मैंने आपसे आज पूछे हैं और जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों पे पहले कंसीडर करिए और अपने आंसर्स को ढूंढिए कि क्या चीजें हमारे लिए यहां पर बेहतर हो पाएंगी और किस तरीके। और इसको अपने पेरेंट गार्जियन से भी डिस्कस करिए, उनको बताइए कि ऐसे फी स्ट्रक्चर, ऐसी बातें हैं, क्या करना चाहिए मुझे। लेकिन मैं एक सलाह जरूर दूंगा आप सभी लोगों को, सभी लोग सारे प्रेफरेंसेस भरेंगे रेगुलर पेड के सारे। अगर आप फीस देने में नहीं भी सक्षम हो तब भी आप पेड सीट अपने प्रेफरेंस में भरिएगा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, हम पैसा दे नहीं सकते हैं तब भी हम भर देंगे तो हमको क्या फायदा होगा इससे। फायदा ये होगा, मान लीजिए आपको पेड सीट ऑफर होती है, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके अपग्रेड के भी चांसेस बनते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेड सीट यहां पे ऑफर होती है, अब होगा क्या यहां पे कि अब मान लीजिए ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको पहले राउंड में पेड सीट मिल गई, हो सकता है आठवें राउंड जाते जाते आप पेड से रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन अगर आप पेड भरेंगे ही नहीं तो सीधी सी बात है कि आपको कभी वो ऑफर ही नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो रेगुलर पेड भरने हैं सारे, बस सीधी सी बात है कि अगर हम पेड के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो उसको सबसे नीचे कर देंगे, लेकिन भरेंगे जरूर। अगर आप कहोगे सर नहीं हम तो फीस नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए पेड का पेड ही रह गया, अरे तो जबरदस्ती आपसे एडमिशन नहीं करा लेगा वो, आप नहीं चाहोगे तो एडमिशन मत कराना अपना, मिल जाएगा कम से कम आपके पास ये तो रहेगा मेरा बीएचयू में हुआ था पेड सीट पे लेकिन मैं पैसे के कारण एडमिशन नहीं ले पाया, कम से कम ये भावना तो नहीं होगी ना कि मेरा यहां पे एडमिशन ही नहीं हुआ। ये चीज तो आपके लिए बढ़िया रहेगी, कोई हाथ पकड़ के आपका एडमिशन नहीं करवा देगा, नहीं नहीं चलो पैसा दो हमारा, तुम्हारा नाम आ गया तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस अपने सारे भरेंगे, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें रहेंगी और इन्हीं बेसिस पे आप अपने प्रेफरेंसेस को भरिए। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे हम सेशंस में आपसे मिलते रहेंगे ताकि आपके यहां पर डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।